अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट, एक पिछली वीडियो में भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं, इसको हम डिफ़ाइन कर चुके हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्टूडेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सीक्वेंस को बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की सीक्वेंस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट आर शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना किस में? ऑर्बिट में या फिर शेल्स में। स्टूडेंट, ऑर्बिट या शेल क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है एक एटम कैसे होता है। अगर सिर्फ एक एटम की बात करें तो हमें पता है कि उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर क्या होते हैं? ये ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बात हो गई स्टूडेंट कि शेल या ऑर्बिट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनको ऑर्बिट ऑर्बिट कहते हैं या फिर शेल्स कहते हैं। अब ये ऑर्बिट या शेल्स टोटल कितने होते हैं? तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट एन पे, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट एन इज इक्वल टू है 1, ठीक है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट कौन से? न्यूक्लियस के बाद वाले ऑर्बिट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो उस शेल को हम बोलेंगे कि शेल, ठीक है। वो कौन सा शेल होगा? के, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो ये सेकंड शेल है, जिसको हम बोलते हैं एल, ठीक है। इसी तरह अगर स्टूडेंट एन इज इक्वल टू 3 है तो ये थर्ड शेल होता है, ठीक है, जो थर्ड नंबर पे इधर बनेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। इसी तरह एन इज इक्वल टू अगर 4 हो तो ये फोर्थ शेल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये बात हो गई स्टूडेंट। तो टोटल जो शेल्स होते हैं वो 4 होते हैं, के, एल, एम एंड एन। अब बात करते हैं कि ये जो शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनमें घूमते हैं, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें मैक्सिमम आ सकते हैं, कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट एक फार्मूला पे, जिस फार्मूला को कहते हैं 2n², ठीक है। ये एक फार्मूला है जिससे हम निकालते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर स्टूडेंट हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल में कितने आएंगे? अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास? 1 का स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया है? टोटल हमारे पास आ गए हैं 2, ठीक है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बात करें इन एल शेल की, ठीक है, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? हम यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 2,
ठीक है, तो टू जब हम पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, फोर टू सा क्या हो जाएंगे, एट हो जाएंगे। इसी तरह अगर स्टूडेंट हमारे पास एन इज इक्वल टू है थ्री, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कौन से शेल है हमारे पास, एम शेल, ठीक है, तो उसमें कितने आएंगे, टू की एन की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री, तो थ्री थ्री आर नाइन, नाइन टूज आर हमारे पास क्या होते हैं, 18। सेम हम यही बात करेंगे जब एन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, एन की बात करेंगे तो एन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फोर 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 आर क्या होते हैं, 16, 16 टूज आर 32। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि के में हमारे पास मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, एल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, और एम में मैक्सिमम हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये बात करने के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट एक घर की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक घर है, इस घर को आप ये समझें कि ये हमारे पास क्या है, एक शेल है, ठीक है, हर शेल क्या है, एक घर हो गया। अब घर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट हमारे पास इस तरह के रूम्स होते हैं, ठीक है, वो जो रूम्स हैं ना उनको आप समझें सब शेल, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, सब शेल हैं, तो सब डिविजन्स ऑफ शेल इज कॉल्ड अ सब शेल। तो ये एक और पॉइंट है क्या कि हर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स का मतलब क्या कि उसके अंदर छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो उसी के होते हैं और उनको हम कहते हैं सब शेल्स। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं कि सब डिविजन्स ऑफ शेल इज कॉल्ड सब शेल, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने सब शेल इन शेल्स के होंगे, इनमें कितने सब शेल्स होंगे, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट एन की वैल्यू पे। अगर एन इज़ इक्वल टू वन है तो सिर्फ एक ही सब शेल होगा, अगर एन इज़ इक्वल टू टू है तो दो सब शेल होंगे, अगर एन इज़ इक्वल टू थ्री है तो तीन सब शेल होंगे, अगर एन इज़ इक्वल टू फोर है तो हमारे पास टोटल फोर सब शेल होंगे। फर्स्ट हम शेल की बात करते हैं कि इसमें सब शेल क्या होगा, तो के में जो सब शेल होगा स्टूडेंट वो एक ही होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से, ठीक है। इसी तरह अगर आप एल की बात करें तो यहाँ पे एन इज़ इक्वल टू टू है तो दो सब शेल होंगे, वो कौन से होंगे, एस एंड पी, ठीक है। इसी तरह एम की बात करें तो इसमें तीन सब शेल होंगे, एस पी एंड डी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ है उसमें सब शेल की बात करें तो एस पी डी एंड एफ, फोर्थ हमारे पास सब शेल होंगे। अब इन सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एस में स्टूडेंट सिर्फ टू ही आ सकते हैं, इसकी पावर में हम लिखेंगे। अगर एल की बात करें तो एस में कितने हैं, टोटल टू आ सकते हैं, इसके टोटल एट हैं, तो टू चले गए हैं तो हम एट में से टू को माइनस करें तो कितने रह जाते हैं, सिक्स, तो पी में कितने आ सकते हैं, सिक्स। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो एस में कितने आएंगे, टू, पी में कितने आएंगे, सिक्स, सिक्स प्लस टू कितने हो जाएंगे, एट, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टेन, एटीन सॉरी, तो डी में कितने आएंगे, टेन आएंगे। इसी तरह एस में टू, पी में सिक्स, डी में टेन, और एफ में कितने आ जाते हैं, फोर्टीन। तो ये भी आपने याद रखना है कि सब शेल टोटल फोर्थ होते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन्स, पी में सिक्स, डी में टेन और एफ में 14 आते हैं। अब स्टूडेंट हम किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, इन सब बातों को आपने याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके सब शेल्स कितने हैं। इसी को देखते हुए अब हम एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्टूडेंट सपोज करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं वो हमारे पास है वाई, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और वो वाई है और उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 18, ठीक
ठीक है, ये हमने खुद से सपोज कर लिया है कि उसका अटोमिक नंबर जो है वो क्या है 18। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले स्टूडेंट हमें उसका अटोमिक नंबर मालूम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का एक फार्मूला है स्टूडेंट, और वो फार्मूला है एन एल रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है। एन क्या है, एन कहते हैं नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। और एल किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। सब शेल क्या, एक शेल के छोटे छोटे हिस्से, ठीक है, उसको एल रिप्रेजेंट करता है। और एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए स्टूडेंट अब हम इसके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेल से करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेल में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके के में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे। ठीक है, 18 में से अगर 2 को माइनस करें तो कितने रह गए, 16 रह गए हैं। फिर हम बात करते हैं के बाद एल की, तो एल में टोटल कितने आते हैं, एल में टोटल 8 आते हैं। तो 8 इधर चले गए तो 8 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। पीछे क्या रह गया, एम। ठीक है, तो जो बच जाएंगे वो किस में चले जाएंगे, एम में। एम में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 10 रह गए हैं। तो 10 किस में चले जाएंगे, एम शेल में चले जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल क्या है, फर्स्ट शेल है ना, तो फर्स्ट शेल के लिए नंबर ऑफ शेल क्या, 1। ठीक है, एल सब शेल, इसका फर्स्ट सब शेल क्या होता है, एस, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं एल की। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल कौन सा है, 2। ठीक है, ये सेकेंड है एल, इसका सब शेल फर्स्ट कौन सा है, एस, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका सब शेल कौन सा होता है, नंबर ऑफ शेल तो हमारे पास 2 ही रहेगा। ठीक है, सब शेल इसका कौन सा है, पी, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। ठीक है, इसी तरह अब हम एम पे बात करते हैं, एम क्या है, 3। ठीक है, ये 3, और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, इसका सबसे पहले फर्स्ट सब शेल एस, जिसमें कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, फिर इसी तरह इसका पी, और पी में कितने आ जाएंगे, टोटल 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 3s2 3p6। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, अगर हम देखें तो 8 2 10 हो गए हैं, और यहाँ पे कितने आएंगे, सिर्फ 8 आएंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसी तरह हम किसी और एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम करते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है हमारे पास एलिमेंट, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। ठीक है, एल में कितने आएंगे, टोटल 8। ठीक है, 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10। और एम में कितने आ जाएंगे, 10, और 2 बच गया तो सिर्फ 2 आएंगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और इसी तरह 3s हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है। अब आप काउंट कर सकते हैं, 2 और 6 8 8 और 2 10 10 और 2 12। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब स्टूडेंट एक कंफ्यूजन आती है हमारे पास, जब हम बात करते हैं एम की। ठीक है, तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर अगर 20 हो, ठीक है, 30 हो, या 30 से अबव हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डी को पहले लिखते हैं और नेक्स्ट वाले शेल को, एस को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या है, तो ये स्टूडेंट को एक अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास फर्स्ट शेल क्या होता है, 1। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेकेंड सब शेल। ठीक है, और सेकेंड सब शेल क्या होता है हमारे पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह उसमें क्या होता है, उसके सेकंड सब शेल में पी भी होता है, उसमें कितने होते हैं, 6। ठीक है, यही बात होगी हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हमारे पास इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, थर्ड शेल।
और थर्ड शेल में कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, ठीक है, फर्स्ट सब शेल में। इसी तरह उसके जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, वो पी में कितने आ जाएंगे, 6, और उसके डी में कितने आ जाएंगे, 10, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ में पहले अस आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, फोर में, फोर पी में 6 आएंगे, और फिर फोर डी क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और भी आएगा, वो क्या आएगा, फोर एफ क्या आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, 5s2, ठीक है, और वो इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना चाहते हैं तो ये कुछ चलेगी ऐसे कि सबसे पहले आपने ऐसे एरो लगाना है, ठीक है, और ये एरो ऐसे लगाना है, सॉरी ऐसे लगाना है, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, फिर आपके पास ऐसे आएगा, और उसके बाद आपने ऐसे जाना है, ठीक है, फिर ऐसे आपने मूव करना है, ठीक है, हमारे पास ऐसे आना है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 1s2 आता है, फिर 2s2, जिस तरह ये एरो जा रहे हैं, ठीक है, फिर क्या 2p6 आता है, फिर 3s2 आता है, फिर उसके बाद 3p6 आता है, फिर 4s2 आता है, ठीक है। तो 3p6 के बाद 4s2 क्यों आता है, क्योंकि हम इस तरह अरेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3d10 आता है, ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास, 4b6 आता है, 4p6 के बाद हमारे पास 5s2 आता है, 5s2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 3d10 आता है, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे और उसके बाद आएगा 4f14, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है जो आपने याद रखनी है।